उत्तर पूर्वी दिल्ली भजनपुरा क्षेत्र में प्रमुख समाजसेवी एवं भाजपा नेता और प्रसिद्ध कवि भुवनेश सिंगल मंत्र सुनाओ गिफ्ट ले जाओ अभियान को आगे बढ़ाकर सनातन धर्म को भी आगे बढ़ा रहे हैं और छोटे छोटे बच्चों को सनातन संस्कृति से जोड़ने का महत्वपूर्ण कार्य भी कर रहे हैं ताकि बच्चे भी अपनी सनातन संस्कृति के प्रति जागरूक रहे। इसी कड़ी में मंत्र सुनाओ गिफ्ट ले जाओ अभियान को बढ़ावा देने के लिए प्रसिद्ध भजन गायिका अंजलि द्विवेदी पहुंची और उन्होंने बच्चों को गिफ्ट देकर उनका मनोबल बढ़ाया और उन्हें सनातन धर्म को आगे बढ़ाने के लिए भी बच्चों और उनके अभिभावकों को जागरूक किया। साथ ही उन्होंने इस अभियान को बढ़ावा दे रहे भुवनेश सिंगल को भी आभार जताया कि इस तरह के अभियान चलाकर वे सनातन धर्म व संस्कृति को आगे बढ़ाकर मानव धर्म निभा रहे हैं। आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं किस तरीके से कार्यक्रम में पहुंची अंजलि द्विवेदी ने छोटे छोटे बच्चों को गिफ्ट दिया और उनके द्वारा मंत्र भी सुने। कार्यक्रम में पहुंची अंजलि द्विवेदी ने क्या कुछ जागरूकता संदेश दिए, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। प्रार्थना है भगवान श्री राम से, प्रार्थना कैसी है, आह्वान भी आम जनमानस से कि राम करे श्याम करे सब देवता, ये मेरे इस देश का उद्धार कर दीजिए। देशद्रोही धर्मद्रोही ऐसे सब पापियों का मेरे प्रभु राम संहार कर दीजिए और देश पे जो चोट करे और उनको सपोर्ट करे ऐसे मीर जाफरों पे वार कर दीजिए, ऐसे जय चंदों पे वार कर दीजिए और भारत में छाट छाट शत्रुओं का शीश काट अब के लड़ाई यार पार कर दीजिए। अगर मैं कहता हूँ कि वंदे मातरम कहना कोई आसान नहीं है और कहने वाले भगत सिंह है सलमान नहीं है और सिर्फ हमारे पुरखों ने खून से सिंचाई से कि सिर्फ हमारे पुरखों ने खून से सिंचाई से ये किसी और के बाप का हिंदुस्तान नहीं है। जिस जगह मैं इस समय खड़ी हुई हूँ इतना नाम इसका प्यारा है भजनपुरा, जहाँ पे भजन की बात आ जाती है तो निश्चित ही ईश्वर से नाम फिर तो जुड़ जाता है। और मैं सिंगल जी की कितनी तारीफ करूं जिनके विचार इतने उत्तम हैं, जिनकी एक एक बात से कनेक्टिविटी होती है हमारे देश के लिए, हमारे धर्म के लिए, हमारे सनातन के लिए, जो जागरूकता का कार्य कर रहे हैं, मैं उनको बहुत बहुत प्रणाम करती हूँ कि जो बिना किसी डरे, बिना किसी समस्या, बिना किसी चिंता के अपने धर्म के लिए आगे बढ़ चले हैं। ऐसे सनातनियों के लिए देश को जरूरत है, हर कोने में, हर शहर में, हर गांव में, हर नुक्कड़ पे ऐसे व्यक्तित्व की जरूरत है जो सनातन का एजेंडा लेके चल पड़े, तभी तो हमारी आगामी पीढ़ी सुरक्षित होगी। मंत्र सुनाया अभियान को लेके जो से काम कर रहे हैं, क्या कहेंगे आप? मंत्र सुनाओ अभियान बहुत ही सुंदर अभियान है, इससे बच्चों में जागरूकता इस बात की आई है कि बच्चों को सीखने का जो एक्साइटमेंट जागा है कि भाई हम अगर सीखेंगे, हम सुनाएंगे तो हमें कुछ मिलेगा। बच्चों को ये प्यारा सा एक लालच एक तरीके से दिया गया है, इसको लालच भी कह सकते हैं, इसको सनातन को सिखाने का एक माध्यम भी कह सकते हैं। तो ये बहुत ही सुंदर माध्यम चुना है क्योंकि बच्चे अट्रैक्ट होते हैं इन चीजों से और बहुत वो अपने धर्म के लिए मंत्र उच्चारण श्लोक अपने धर्म से जुड़ी हुई सारी चीजें सीखते हैं। तो बहुत ही सुंदर ये अभियान है और मैं तो कहती हूँ ये अभियान मंत्र सुनाओ अभियान सिर्फ भजनपुरा दिल्ली तक ही सीमित ना रहे बल्कि देश के कोने कोने में ये अभियान शुरू होना चाहिए। ये आपका सॉन्ग है मोदी के बारे में, बहुत लोगों ने सराहा इस बार। बिल्कुल बिल्कुल, लोग किसी भी इंसान को हल्के में ना ले क्योंकि एक चाय वाला देश को चला रहा है और ये बात हमने उसी चीज पे लाई हुई थी। ऐसा देश का है रखवाला कर दिया बंद जिसने घोटाला, वो है मोदी चाय वाला भैया जान लो, जिसने काले धन को संभाला सबकी जुबान पे डाला ताला, वो है मोदी चाय वाला भैया जान। युवाओं को संदेश देना चाहेंगे, छोड़ो एक दिन के नशे के चक्कर में मत पड़ो,
क्योंकि वो आपके शरीर को नुकसान करता है, आपके परिवार में कला कलेश करता है। धार्मिकता के रास्ते पे चल पड़ो, आपका जीवन सुधर जाएगा, परिवार में एक रौनक आ जाएगी हमेशा के लिए। धार्मिकता से जुड़ोगे, भक्ति के मार्ग से जुड़ोगे तो आपको ईश्वर की भगवत की प्राप्ति होगी। मैडम एक सॉन्ग आपका आने वाला है, वो सॉन्ग कौन सा है? वो सॉन्ग आने वाला है, वैसे मैं सुनाती नहीं हूँ, लेकिन आज क्योंकि मैं ऐसे सभी सनातनियों के बीच में हूँ जो मैं खुद को रोक भी नहीं पाती हूँ। सुनो हिंदुओं, सुनो हिंदुओं, जात पात के चक्कर में जो पड़ जाओगे, आज अगर जो ना संभले एक दिन भटके कट जाओगे। सुनो हिंदुओं, भुवनेश सिंगल जी जो कार्य कर रहे हैं, हमारे बड़े भाई साहब जो कि अध्यक्ष जी, मैं आपके ही रास्ते पे चल रही हूँ और मुझे लगता है सिर्फ ये एक नाम ना रहे हिंदुस्तान का, प्रत्येक व्यक्ति जिस दिन ये कार्य करने शुरू कर देगा अखंड भारत बन जाएगा हमारा देश। देखिए हमारे लिए गर्व का विषय है कि इस अभियान से ऐसे अच्छे अच्छे लोग, बड़े लोग जुड़ते हैं जिनका पूरे देश फॉलो करता है। आज हमारे बीच में अंजलि द्विवेदी बहन आई है हमारी बच्चों को का प्रोत्साहन बढ़ाने के लिए, बच्चों से मंत्र सुनने के लिए, हमारे लिए बहुत अच्छा लग रहा है। और ये अभियान ऐसे ही पूरे देश का अभियान बने, इसी कामना के साथ हम आपसे शुभता की कामना करते हैं कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप आए हमारे बीच में। आप एक कवि भी रहे हैं और आज कवि के माध्यम से एक हमारे युवाओं को, हमारे दर्शकों को ऐसा संदेश दीजिए कि सनातन देखिये, मैं कहता हूँ कि आह्वान की पंक्तियाँ कहता हूँ कि किसी की आंख में बन के चमक तुम बंद हो जाओ। युवाओं से विशेष रूप से कहता हूँ कि इस देश को आपकी बहुत ज्यादा आवश्यकता है, एक विचारधाराओं की लड़ाई इस देश में चल रही है और उस विचारधारा की लड़ाई में आपको जीतना है। जीत कैसे मिलेगी कि किसी की आंख में बन के चमक तुम बंद हो जाओ, प्रभु की वंदना में तुम गीत के छंद हो जाओ, और युवाओं थाम कर झंडा विश्व में फिर से फहरा दो, विवेकी बन के जागो तुम, विवेकानंद हो जाओ। जिस दिन विवेकानंद के पद चिन्हों पर चलना प्रारंभ कर देंगे, निश्चित रूप से भारत पुनः विश्वगुरु होगा, पूरे सनातन संस्कृति का ध्वज पूरी सृष्टि के अंदर फहराएगा। वैद्य बाबूराम वर्मा, 15 सालों का इलाज का भरोसा, हमारे यहाँ आयुर्वेदिक औषधियों के द्वारा सभी बीमारियों का सुविधाजनक इलाज किया जाता है, जैसे खांसी, सांस, दमा, बुखार, टाइफाइड, मलेरिया, पीलिया, बावासीर, सुगर, हेपेटाइटिस, खूनी बावासीर, पिरमे, स्वपन दोष, लघु शंका आदि का इलाज आयुर्वेदिक पद्धति द्वारा किया जाता है। इसके अलावा सभी बीमारियों की जांच भी तसल्ली बख्श की जाती है, जैसे अल्ट्रासाउंड, एक्सरे, ईसीजी, रक्त, मलमूत्र, वीर्य की जांच इत्यादि। हमारे यहाँ दिल्ली सरकार द्वारा टीकाकरण, टीबी का इलाज व जांच मुफ्त की जाती है। हमारा पता है वैद्य बाबूराम वर्मा, चैरिटेबल सोसाइटी, 329 गली नंबर 9, मंडोली एक्सटेंशन, नियर नंदनगरी बस डिपो के सामने, दिल्ली 93। आप हमारे नंबरों पर भी संपर्क कर सकते हैं। हमारे फ़ोन नंबर हैं 9215928312, 9910418312। आप हमारे चैनल पर भी दिए गए नंबरों पर भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर है 8506973234।